मैं इस टाइम पे आई एम नॉट पॉलिटिशियन, आरी फाउंडेशन मेरे बच्चे का है, और पॉलिटिक्स तो वो टैग छोड़ दीजिए, वो बहुत दूर दूर तक अभी नहीं आता, क्योंकि मैं अपने ट्रस्ट में इस पॉलिटिक्स का कोई एक नुक्ता भी शामिल नहीं करना चाहती। अस्तगफिरुल्लाह, ये बात मत बोलिए कोई। मैं मतलब अपना काम जो है, देखिए टीएमसी एक रोलिंग पार्टी है, ममता बनर्जी बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ के जो अमीरुद्दीन बॉबी साहब है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो जितना मैं इस वार्ड में रहती नहीं हूँ, लेकिन भाई लोग से जितना भी सुना है वो बहुत अच्छा सुना है मैंने। तो देखिए इंसान जो होता है ना वो अपने किरदार से जाना जाता है, ठीक है, और बाद में कोई पॉलिटिक्स होता है, पहले एक सोशल वर्कर होता है, देन वी हैव डिसाइडेड आई एम पॉलिटिशियन। और रंग है जो हिंदू का मुस्लिम में और मुस्लिम का हिंदू में मिल जाता है। खून की जरूरत पड़ने पर सिर्फ उसका ब्लड ग्रुप ही देखा जाता है। रुखसाना बेगम और शब्बीर खान ने वार्ड नंबर 54 में लोगों की भलाई के लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ हेल्थ चेकअप कैंप और आई चेकअप कैंप भी आरिफ फाउंडेशन के बैनर तले किया गया, जिसमें वार्ड के काउंसलर अमीरुद्दीन बॉबी और एमएलए स्वर्णा कमल साह मौजूद थे, और साथ ही साथ बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद। ছট পুজোটাও ব্যাপারটা আছে ওখানে, আমাদের এলাকায় যারা করছে উপবাস আছে সেই অনুষ্ঠানে আমি হাজির হয়েছি, এখানে এসছি, ভালো তাদেরকেও সাথ দিয়েছি। আমি এত ভালো সোশ্যাল ওয়ার্ক, এখানেও আমি আজকে সাথ দিলাম। আমি চাতে হ্যাঁ কি এ লোক সাকসেস হয় আগে চলতে, ইয়ে সোশ্যাল প্রোগ্রাম এ লোক করতে হ্যাঁ ইসকে সাথ কই ভি কভি ভি হামারা জরুরত পড়ে মেসেজ করে তো হাম হায় হাজির। छठ पूजा सभी को, हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं सभी को छठ पूजा का बहुत तहे दिल से मुबारकबाद। लेकिन ये जो आज प्रोग्राम हम लोगों का ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप और आई चेकअप हुआ है, ये हमारा 2 अक्टूबर को होने वाला था, लेकिन वो किसी कारण मतलब पूजा के कारण ही हम लोगों ने पोस्टपोन किया। तो ये मतलब कैंप होने का सिर्फ ये मकसद था कि हमारे 54 के मतलब हमारे जो पूरे आरी फाउंडेशन की टीम है, जैसे कि ये अशरफ भाई है, इमरान भाई, इम्तियाज़ भाई, मुख्तार भाई, सनी भाई, बहुत सारे टीम हैं, और हमारे जो बोला जाता है ना रूहे रवा फाउंडर जो हमारे हैं वो शब्बीर अहमद खान हैं, जिनका वो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, और हमारे पूरे टीम ने मतलब अपनी जान लगा दी है। 15-20 दिन से वो लगातार लगे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा ब्लड डोनेशन कैंप सक्सेसफुल रहा, और जिसमें 100 डोनर पार कर चुके, 110 डोनर हो चुके हैं, और आई चेकअप में थे हाँ ये 54 नंबर के अमीरुद्दीन बॉबी साहब, वो शिरकत किए, और उनके साथ साथ हमारे एमएलए साहब सोनू कुमार साहब वो भी आए, और काफ़ी अच्छा लगा हमें आज इस आज का जो प्रोग्राम था वो काफ़ी मतलब इतना अच्छा लगा, जो सारे एक साथ थे हमारे यहाँ पे, बहुत सारे एनजीओ यानी कि सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद है, डॉक्टर्स भी हैं, हमारे डॉक्टर्स के जो टीम है उन्होंने भी बहुत अपना मतलब अच्छा किरदार निभाया है, और सारी टीम ने बहुत अच्छे से मेहनत किया है, और आज माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मतलब एक होता है ना कि हिम्मत जो बढ़ता है वो आज हिम्मत और ज़्यादा मजबूत हो गया आरी फाउंडेशन, क्योंकि हमारे सारे टीम यहाँ पे मौजूद है माशाल्लाह, जो आगे जितना भी अब हमारे जो भी प्रोग्राम होंगे उनमें हम एक साथ है। जैसा कि आप लोग सभी को पता है, ये मीडिया के माध्यम से आप लोग ने बहुत कुछ देखा है, रुखसाना कितना काम करते हुए आई है, तो जो लोग काम करते हैं उनके साथ में मिलकर रहना अच्छा लगता है, और रुखसाना कोई बाहर की नहीं है, रुखसाना मेरी फैमिली है, तो जाहिर सी बात है उनके साथ में तो दिखूंगा, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग दोनों मिल के जो काम करने का जिम्मेदारी लिया है वो इंशाल्लाह आगे आप लोग को दिखते रहेगा। और हमारे जो टीम है फुल बगान एथलेटिक क्लब जो है, यहाँ के प्रेसिडेंट 54 नंबर वार्ड के अफसर आलम है, जनरल सेक्रेटरी विकी भाई है, और हमारे जो टीम है जिनका मैं सबका नाम नहीं जानता, लेकिन इनके साथ मिलके आने वाले कल में आप लोग के मीडिया के माध्यम आप लोग को ऐसे ही नज़र आएगा कि सिर्फ 54 नंबर वार्ड नहीं, हर एक वार्ड में इंशाल्लाह हम लोग काम करने वाले हैं। मैं कुछ इलाके में सर्वे किया था, मेरी टीम भी सर्वे किया था, वहाँ पर काफ़ी लोग को मतलब किसी को कुछ प्रॉब्लम इशू हो जाता है, किसी को कैंसर का प्रॉब्लम होता है जिसमें आपको पता है कि उसमें ब्लड का बहुत ज़रूरत पड़ता है, तो ऐसे लोग बहुत जगह जाते हैं जहाँ पर कार्ड अवेलेबल नहीं रहते हैं, इसकी वजह से हम लोग के पास में ऐसे बहुत लोग आए थे, तो हम लोग सोचा कि स्टार्ट किया जाए हेल्थ के ऊपर में, तो ये ब्लड से, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी बचाना ये एक पहला महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि जो खून होता है अगर हम लोग किसी का खून को देकर और उसकी ज़िंदगी बचा रहे हैं तो ये अल्लाह समझ लीजिए अल्लाह हम लोग के लिए। कॉन्टेक्ट करने का रुखसाना का नंबर है 8100224243, आप इनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आप लोगों को आना नहीं पड़ेगा, हम लोग का पूरा टीम आपके पास चल के आएगा। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जिस लेवल में सोचा था उस लेवल में अल्लाह ने हम लोगों को कामयाब किया। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो है आरी फाउंडेशन की मदद से और फूल बगान एथलेटिक क्लब की जो है
साना बसाना खड़े होकर यहाँ पे हम लोगों ने ब्लड डोनेशन करवाया और हम लोगों ने पहली बार में टारगेट लिया कि हम लोग जो है 100 जो है यूनिट हम लोग ब्लड डोनेट करवाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 से भी ऊपर गए जो ओवर अचीव्ड है। बहुत खुशी हुई मुझे इससे और आइंदा दिनों में भी हम लोग इंशाल्लाह ताला आरिफ फाउंडेशन के साथ मिलकर जहाँ पर उन लोगों को हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर खड़ा रहेंगे और आप लोग जो है देखेंगे आइंदा हम लोग इंसानियत के लिए जो मुनासिब कदमे हैं वो हम लोग ज़रूर उठाएं। पहले तो ये जानिए ये प्रोग्राम क्यों किया गया है। पेशेंट तो हर जगह मिलेंगे आपको, ये प्रोग्राम किया गया आरिफ फाउंडेशन, जो आरिफ एक बच्चा था जो हमारा छोटा सा बच्चा 2 साल का जो कैंसर के कारण डेथ कर गया कोविड के फर्स्ट इसमें, तो उसका 93% ब्लड ख़राब हो गया था और उस वक्त हम लोग बहुत परेशान हुए थे ब्लड को लेकर और बच्चे के एडमिशन को लेकर के। तो देखा यह गया आप पैसे से मेडिसिन ले सकते, सारा कुछ खरीद सकते हैं, ब्लड अचीव नहीं कर सकते आप पैसे से। इसी को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि हमारा जितना भी प्रोग्राम होगा आरिफ फाउंडेशन की तरफ से उसमें ब्लड डोनेशन कैंप सबसे अव्वल रहेगा, एक नंबर पर। और जितने भी कैंप हम लोग का होता है हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह 400+ पेशेंट होते हैं, अभी भी सारे पेशेंट जनरल पेशेंट मैक्सिमम थे। आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि आज हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है या फूड लाइफ स्टाइल बोलिए लिविंग लाइफ स्टाइल बोलिए कोई अच्छा नहीं है, जिसके कारण हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। तो बच्चे का पोटेशियम ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, मल्टीविटामिन मिनरल्स ले लीजिए, बॉडी का ग्रोथ ले लीजिए, सारा वीक है और मैक्सिमम पेशेंट उसी के। मैं आरिफ फाउंडेशन में शामिल हुआ क्योंकि हमेशा एक शौक मेरा चलता रहा है कि मैं किसी ना किसी एक अदारे से मैं शामिल हूँ और उसमें अपना कीमती वक्त दूँ। तो रुखसाना जी और शब्बीर भाई ने जो है मुझको ये मौका दिया और मैं इसमें शामिल हुआ। ये सबसे बड़ी मेरे लिए जो है एक जिम्मेदारी मेरे लिए आ गई थी कि मुझको काम करना है, मुझको इसमें रहना है, किसी भी सूरत हाल में जो है ये काम को मुकम्मल करना है। और जो ये आई चेकअप कैंप जो हुआ बहुत ही जद्दोजहद के साथ हुआ है, पूरा पूरी मानी कि 1 महीना से ज़ायद 30 दिनों से ज़ायद जो है ये काम जो है मुसलसल चलता रहा, मीटिंग होता रहा, सारा काम चलता रहा। तो मेरे लिए ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि मैं इसमें शामिल हूँ और ये बहुत अच्छी बात है कि आरिफ फाउंडेशन ने ये कदम उठाया। उनके साथ में जो यहाँ पे फुलबगान एथलेटिक क्लब और बाकी दिगर और भी लोगों ने मिलकर मुश्तरका तौर पर आज ब्लड डोनेशन कैंप किया, हेल्थ चेकअप कैंप, आई चेकअप कैंप, और इतना अच्छा रिस्पांस मिला है माशाल्लाह। 100 से ज़्यादा लोगों ने अपना कीमती खून अतिया किया है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इस प्रोग्राम को कामयाब करने में आज महीना रोज से ज़्यादा कई मीटिंगें हुई, यहाँ पर बबलू भाई और उनके पूरे टीम तमाम लोगों ने बहुत ही ईमानदारी के साथ बहुत ही जद्दोजहद किया और हमारे उनकी सरपरस्ती हासिल थी तो ये मंजिल मकसूद तक पहुंचने का मौका हाथ लगा। और हम यही चाहेंगे कि ये जो प्रोग्राम जो चल रहा है ये आज इसका आखिरी पड़ाव ये नहीं है, ये तो जस्ट एक आगाज़ है। 14 अगस्त को इन्होंने पहला ब्लड डोनेशन कैंप किया था आरिफ फाउंडेशन ने मोमिन हाई स्कूल में और ये दूसरा हुआ और उम्मीद करते हैं कि तीसरा चौथा पांचवा भी इसी तरह तसलसल। आरिफ फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डे से जब से मैं आरिफ फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ, जब पैंडेमिक सीज़न था खाने खिलाने से लेकर अभी तक का जो हेल्थ पर ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हेड्स ऑफ, और जब तक आरिफ फाउंडेशन अच्छे काम करते रहेगा हम शाना बशाना आरिफ फाउंडेशन के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। देखिए सबसे पहली बात है कि मैं अवार्ड के मुझे मिलता है ज़रूर, बट अवार्ड से मुझे बहुत नहीं, मुझे मैंने मैं पहले ये बोलूँगी कि अवार्ड से सम्मानित किया जाता है उतेरियों तक तो मुझे ठीक लगता है, बट हर प्रोग्राम में अवार्ड फंक्शन ये मुझे समझ में नहीं आता। जिसने किसी प्लेटफॉर्म पर काम भी नहीं किया आपने उसको भी एक लेवल में बैठा दिया और जो काम करते हैं आपने उनको भी एक लेवल में बैठा दिया, तो ये लेवल स्टैंड मेंटेन करें। मैं हर ऑर्गेनाइजेशन से यही अपनी मतलब एक बात रखूंगी कि जो काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें, जो कि जो नहीं काम कर रहे हैं वो भी स्टेज पे चढ़ के अवार्ड ले रहे हैं, तो इससे दोनों का जो स्टेटस मेंटेन आप लोग कर दे रहे हैं यही बहुत गलत है। देखिए डुअल अदारा, जहाँ तक बात है कि आप एक अदारे में रहते हुए दूसरे अदारे में काम कर सकते हैं, लेकिन रह गया सवाल कि जिस अदारे का एलिगेशन है मुझ पर, मैं वहाँ पर थी, बट वही मेरा भी आंसर यही है कि मैं कोई पेपर में नहीं थी, मुझे बस ऐसे बोल दिया गया था कि मैं हावड़ा से हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं क्लियर ही कर देती हूँ, मैं हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं हावड़ा से अपना 100% देती थी और अभी तक दिया मैंने, लेकिन होता है कुछ बातें होती हैं कि अब मुझे नहीं समझ में आया तो मैंने वहाँ पर क्लियर कर दिया कि मैं वहाँ नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप एक इदारे से जुड़े हुए हैं और दूसरे इदारे में नहीं रह सकते, तो दूसरे इदारे में भी आप रह सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारा तो दिल का रिश्ता है, मैं हर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती हूँ, चाहे वो मानवता एजुकेशनल ट्रस्ट हो, चाहे वो आरिफ फाउंडेशन हो, और मैं जिस इदारे में थी मैंने वहाँ पर भी अपना 100% करने की नहीं रहे बात। अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लोग कह रहे हैं कि मुझे लोगों ने यूज़ किया और छोड़ दिया,
जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा जब तक मैंने अपना 100% दिया मैं थी, मुझे कुछ ऐसी बातें नहीं समझ में आई, और उसके बाद से ना मेरी कोई लड़ाई है ना मेरा कोई आर्ग्यूमेंट है, बस मैंने छोड़ दिया। मुझे जहाँ पर मुझे काम करना अच्छा नहीं लगेगा, मैं वो चाहे आरिफ फाउंडेशन हो, मानवता एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट हो, अरहम फाउंडेशन हो, जहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं एट वंस वहाँ सर हट जाऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत VIP पर्सन हूँ और मेरे रहने और ना रहने से किसी को फ़र्क पड़ता है। जिस तरह से मेरे ना रहने और ना रहने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, उसी तरह से मुझे काम करने के लिए एज अ सोशल वर्कर सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा से इंडिविजुअल हावड़ा में काम करती रही हूँ और करती रहूँगी। ये आरिफ फाउंडेशन, मानवता एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, अरहम फाउंडेशन या और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे बुलाता है, मुझे इज्जत देता है, तो मैं अपना 100% वहाँ पर देती हूँ। 100% कंट्रीब्यूशन है, हम दिखाते हैं उनको तभी वो दिखते हैं। लेकिन मैं, मेरे सामने लीगल एडवाइज़र जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं सबसे पहले इनको चाहूँगी कि एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए एक्टिविस्ट और वर्कर्स में। पहले डेफिनेशन होनी चाहिए कि एक्टिविस्ट किसको कहते हैं, वर्कर किसको कहते हैं। आज हर एक दूसरा इंसान अपने आप को एक्टिविस्ट बता रहा है, तो मैं भी एक्टिविस्ट नहीं हूँ। एक प्लेटफॉर्म होता है एक्टिविस्ट का, जो एक्टिविस्ट है सभी जानते हैं कि मैं NRC के पीरियड से और उसके पहले भी हमारा कोई इदारा नहीं था, हमारा कोई इदारे का ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं था, लेकिन हम कुछ औरतें मिलकर जो काम करते थे वो भी एक्टिविज्म ही कहलाता है, क्योंकि किसी की बात को उठाना भी एक्टिविस्ट के हाथों में होता है, किसी की बात अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना भी एक्टिविज्म होता है। बट लेकिन हम लोग जो सारे वर्कर्स जिन्होंने खाना खिलाया, उन्होंने भी जिन्होंने किसी को मतलब एक किसी बच्चे की मतलब एजुकेशन का खर्च उठा लिया, वो भी मतलब एक एक प्लेटफॉर्म पे सारे लोग आ गए।